I introduce myself, Advocate Mr. Riyan Ramani. अपने देश में औरतों को लक्ष्मी का दूसरा रूप माना गया है। भारत को माँ कह के पुकारने वालों ने ही उसकी गोद में बेटियों का बलात्कार किया है। जज साहब, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में से ऐसा कानून पास करवाए कि बलात्कार करने वालों की रूह कांप उठे, औरत के सामने ऊंची नज़र करके देखे तभी उनमें अपनी माँ और बहन दिखाई दे। मेरा एक दोस्त दुबई में रहता है, उसने मुझे बताया कि वहाँ के एक शेख के बेटे ने लड़की की और बुरी नज़र से देखा। शेख को यह बात पता चल गई तो शेख ने अपने बेटे को पूरी प्रजा के सामने उसका सर काट दिया। तब से दुबई में कोई भी मर्द लड़की के सामने बुरी नज़र से देखता नहीं है। काश हमारे हिंदुस्तान में रेप करने वालों की माँ बाप की सोच ऐसी हो जाए तो हमारे हिंदुस्तान की बेटियों को किसी भी अदालत का सहारा ना लेना पड़े। कितनी बेटियां बलात्कार के बाद खुद ही आत्महत्या कर लेती है, वरना समाज उसे ताना मार मार के मार डालती है। हे भगवान, सबके घर में पहली औलाद बेटी ही देना, पर उनको लड़कों से ज़्यादा हिम्मत और ताकत देना। किसी की भी बेटी के साथ गैंग रेप करके उसको मार देना आसान है, पर जब बलात्कार करने वालों खुद की बेटी के साथ बलात्कार होगा तब उन्हें ये दर्द महसूस होगा। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर मैं कहता हूँ बेटी को पहले गैंग रेप से बचाओ, बेटी के पंख काटने वालों को फांसी की सजा दिलाओ, तभी तो बेटी बचेगी और बेटी पढ़ेगी। बेटी छोटी से बड़ी कब हो जाती है माँ बाप को पता नहीं चलता, पर बेटी जब पढ़ने लिखने जाती है बाहर तो माँ बाप को चिंता लगी रहती है कि मेरी बेटी कब आएगी, मेरी बेटी कब आएगी। निर्भया केस 16 दिसंबर 2012 में हुआ था। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो से पता चला है कि 2018 में 33,977 केस एक साल में हुए, मतलब कि एक दिन में 93 केस हैं। 27 नवंबर 2019 को रोज हैदराबाद में दिशा वेटरनरी डॉक्टर के साथ गैंग रेप हुआ, उनको भी मार दिया गया। क्या माँ बाप इसीलिए बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ी करते हैं? केस का जब फैसला होता है उतने सालों में तो कितनी सारी बेटी का रेप की शिकार हो चुकी होती है। जज साहब, रेप के केस का फैसला जल्द से जल्द लाने की गुजारिश करता हूँ। शायद इसीलिए न्याय की देवी की आंखों पे काली पट्टी बंधी है, क्योंकि वह भी एक औरत है और वह यह न्याय नहीं देख सकती है। इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, मैं जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा, पर ये हमारी पवित्र गीता की भी बेइज्जती होती है। I hate rapist. Wake up India, wake up. जय हिंद।